हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि हम किस तरह के अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके साथ साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में यही हमने देखा था कि एक्चुअली में स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बट अब हम क्या देखते हैं कि उसको हम कैसे रियल लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम कैसे गोल सेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, हमें स्ट्रेस से कैसे दूर रहना होगा, तो वो समय हम देखें। आगे के लेक्चर में हमने उसका इंट्रो देखा था, अब हम उसको इन डिटेल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेट गोल एंड प्लान उसका स्टेप वन है, जो हम किस तरह से उसको अप्लाई कर सके। आगे हमने लास्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट का चार्ट देखा था, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सेट गोल्स एंड प्लान्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कई सारे स्टेप दिए गए हैं, मतलब कि आपको किस तरह से गोल सेट करना है, किस तरह से अपना प्लान सेट करना है, किस किस चीज़ की इसके अंदर ज़रूरत है, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में हम देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू रियली वांट, आप रियली में क्या करना चाहते हो उसके बारे में सोचो पहले। मतलब कि आप कभी भी जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ से सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना होगा कि आप रियली में क्या करना चाहते हो, आप अपना कौन सा अचीवमेंट करना चाहते हो, तो वो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि एक आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे जाके क्या करना होगा। आपका जो टाइम है ना, वो आप दूसरी चीज़ के अंदर किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर ही अपना करियर क्रिएट करना है या अपना टाइम बनाना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले तो आप क्या करना चाहते हो वो सोच के रखना। दूसरा, गोल फॉर लाइफ, नेक्स्ट 5 ईयर, दिस ईयर, दिस सेमेस्टर, दिस वीक, टुडे। एज अ स्टूडेंट की तरह देखने जाए तो हमारा मेन तो एक ही फोकस होता है कि हम हमारे एकेडमिक एजुकेशन को हम कैसे अच्छा बनाएं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा बेहतर बनाए। तो उसके लिए आपको गोल्स क्रिएट करने होंगे कि जैसे देखने जाए कि इस साल में यहाँ तक के स्कोरिंग करूँगा, इस सेमेस्टर के अंदर, इस एग्जाम के अंदर मैं ये ऐसी परफॉर्मेंस करूँगा या इतना स्कोरिंग होना चाहिए मेरा, इस वीक के अंदर जो भी मेरा परफॉर्मेंस है वो इतना रहना चाहिए, या आज के दिन में मैं इतने टास्क कंप्लीट करने वाला। तो एज अ स्टूडेंट देखने जाए तो आपका 1 ईयर, 1 सेमेस्टर, 1 वीक और 1 डे हिसाब से आपका कोई भी गोल मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको गोल अचीवमेंट की डेट लिख के रखनी होगी कि मैं, मान लीजिए कि छोटा मोटा टास्क है तो मैं इतना कहूँगा कि मेरे आज जो ये टास्क है ये मैं 5 टास्क आज कंप्लीट करके ही सूँ। तो ये 1 टाइप ऑफ हमारा गोल क्रिएट होगा ना, कि हम गोल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक 1 डे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, 1 सेमेस्टर, 1 ईयर का भी हो सकता है। और प्रोफेशनल जो हम लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल कोई भी पर्सन की बात करें, तो उसका गोल जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर मैं या हमारी न्यू कंपनी ओपन करूंगा, या मैं इस जॉब के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट करूंगा, या मैं इस डेजिग्नेशन पर आ जाऊंगा। तो ये सब आपको गोल पहले से ही फाइंड आउट करके रखने होंगे, उसका टाइम लिमिटेशन भी आपको रखना होगा, जिससे कि क्या होगा, आप अपने गोल के प्रति अचीवमेंट करने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हो, अपनी पूरी के पूरी माइंड इसके अंदर लगा सकते हो। जब आपने कुछ शेड्यूल ही नहीं किया है तो आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको शेड्यूलिंग करना होगा कि सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ और उसको कितने साल के अंदर या कितने सेमेस्टर या वीक के डे के अंदर मुझे कंप्लीट करना है। तो वो सब आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा, गोल फाइंड आउट करके ही रखना। उसके बाद राइट डेम डाउन और लुक डेम पीरियड, मतलब कि जैसे आप कुछ करना चाहते हो उसको सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, आप उसको सबसे पहले लिख लीजिए और उसके अंदर आप बार बार देखकर उसके अंदर आप क्यों न्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना हो। तो ये होगा फेलिंग टू प्लान इज प्लान टू फेल। प्लान के अंदर फेलिंग मतलब प्लान क्या हो गया, कम्प्लीटली फेल हो गया। तो हमें एक याद रखना होगा कि जो भी आप गोल या प्लान फिक्स कर रहे हो वो फेलिंग के चांसेस तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या आप फेलिंग के चांसेस ज़्यादा है तो उसको किसी और जिसे कि हम उसको अचीव कर सके उस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। यू कैन ऑलवेज चेंज योर प्लान लेटर बट ओनली इफ यू देम हैव।
आप अपने प्लान्स ऑलवेज चेंज कर सकते हो, बट आपको याद रखना होगा कि आपने किसी एक टास्क को कम्प्लीटली स्टार्ट कर दिया या किसी एक प्लान पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उससे दूसरे प्लान पे नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि आप किसी एक प्लान के अंदर तो अपना फोकस रख ही नहीं पाओ। तो जिस चीज़ भी हम करना चाहते हो उसको अंदर हमारा 100% हमारा फोकस होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी तरह का गोल अचीव कर सके और प्लान्स क्रिएट कर सके। तो ये बात आपको कंप्लीट नहीं याद रखनी है। यहाँ पे आपको स्टेप वन दिखाया गया था, सेट गोल एंड प्लान। अब आगे देखते हैं, दूसरा है डिटरमाइन हाउ यू स्पेंड दैट। अब हमें डिटरमाइन करना है कि हम किस चीज के अंदर कितना टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो हमें डेली रूटीन क्रिएट करके रखा है। जैसे हमने आगे भी किया था एज अ स्टूडेंट की तरह, हमें कितने टाइम कितना वर्क करना है, कितने टाइम हमें प्ले करना है, कितने टाइम में हमारा होमवर्क कंप्लीट करना है, कितने टाइम हमें सोना है, तो ये डेली रूटीन होता है। तो हमें ये डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हमारा जो भी वर्क के अंदर सही से टाइम स्पेंड कर सके, कोई भी वर्क हमारा छूट ना जाए। इसलिए हमें सबसे पहले तो टाइम डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम किस वर्क में कितना टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो हम देख लेते हैं स्टेप टू के अंदर में क्या करना है। नोट डाउन योर डेली रूटीन, मैंने कहा वैसे ही कि हमने आगे भी बनाया था एज अ स्टूडेंट की तरह, हमें डेली रूटीन शेड्यूल क्रिएट करना होगा। तो हमें डेली टू डेली हमारा डेली रूटीन लिखना होगा, जिससे कि हमें लास्ट में पता चलेगा कि हमने एक दिन में कितना और कहाँ पे टाइम हमारा जो वेस्ट किया है, जो हमें करना नहीं है। तो ये आपको कम्प्लीटली करना है, आपको डेली रूटीन ए टू जेड नोट करना होगा। अपडेट एवरी हाफ आवर, नोट एंड ऑफ द डे। आपको अपना जो हाफ आवर के बाद अपना वर्क अपडेट करने रहना, मतलब कि जो भी आप डेली रूटीन लिखते हो, तो डेली रूटीन आप ऐसे नहीं लिखोगे कि मैंने आज पूरा का पूरा दिन खत्म हो गया, अब मैं सुबह से लिखने को स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं है। डेली रूटीन तो आपको हाफ आवर एंड हाफ आवर करना होगा, मतलब कि आप जब उठते हो उसके हाफ आवर के बाद आपको लिखना होगा, आप जब उठने की जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है जिस वीक में, तो आपके अंदर जो भी आप वर्कआउट करते हो उसके हाफ हाफ आवर के अंदर आपको वो अपडेट करता रहना है अपना डेली रूटीन, जिससे कि आप किसी चीज को भूल ना जाए या किसी भी चीज को मिस ना कर बैठे। तो यह बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि आपको डेली शेड्यूलिंग तैयार करना है, उसके बाद उसको हाफ आवर के बाद उसको क्या करता रहना है, अपडेट करता रहना है। नॉट द एंड ऑफ डे, मतलब कि जब भी एंड हमारा डे कम्प्लीट हो जाए उसके बाद हमें अपडेट नहीं करना है, हाफ एन आवर के बाद ही हमें अपडेट करना। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप, के अंदर इवोल्यूट। इवोल्यूट मतलब कि हमें देखना है जो भी हमने हमारा रूटीन लिखा है या हमें रूटीन है, तो उसको हमें पहले ऑब्जर्वेशन करना कि मेरा टाइम कहाँ पे वेस्टिंग हो रहा है, किस जगह पे मुझे ये टाइम नहीं देना है, या किस चीज में मुझे कितना टाइम देना है। किसी भी चीज़ जो नॉर्मल है उसके अंदर हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बस जिसकी ज़रूरत है वो हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो वो हमें इवोल्यूट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इवोल्यूट के अंदर क्या कहना चाहते हैं। मैंने तो यहाँ पे कह दिया कि जो भी टाइमिंग मैनेजमेंट है वो करना है। हाउ आई एम वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले तो मैंने कहा वैसे कि आप जब भी डेली रूटीन लिखते हो तो उसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा कि मैं अपना टाइम कैसे वेस्ट करता हूँ, किस किस जगह पे, किस किस समय पे मैंने अपना टाइम वेस्टिंग किया जो मुझे किसी और चीज़ में लगाना था। तो वो आपको कैलकुलेट करना है और अपना जो भी डेली रूटीन है वो तो बेहतर बनाने की कोशिश करनी, क्योंकि आप डेली टू डेली मान लीजिए कि आज आपने अपना रूटीन लिखा, तो उस आपको नाइट में ही पता चल जाएगा कि आपने कितने घंटे वेस्टिंग किए। तो उस हिसाब से आप उसको जो ओवर आपने वेस्ट टाइम दिया है उसको आप कल टुमोरो के अंदर उसको बेहतर इम्प्रूवमेंट में ला सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि आज हमारा वेटिंग हुआ है वो कल ना हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, हाउ आई एम वेस्टिंग टाइम, में वेस्टिंग टाइम कैसे करता हूँ वो मुझे सोचना। व्हाट कैन आई डूइंग मोर इफेक्टिवली, मैं अपना टाइम या अपना वर्क कैसे इफेक्टिवली बना सकता हूँ। मैंने कहा वैसे ही कि आपको ऑब्जर्वेशन लोगे तो ही आपको पता चलेगा कितनी इसके अंदर जरूरत है, किस किस टाइम की हमें यूटिलिटी करनी, तो वो हमें देखना है। इस तरह से हमें अपना वर्क कैसे इफिशियंसी बनाना है, कैसे इफेक्टिवली बनाना है, किसे हम इसको स्पीड के अंदर या हमें जो टाइम मिला है वो टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, वो हमें सब कुछ देखना होगा। व्हेन आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव,
किस टाइम में सबसे मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ, ये चीज जो आपको गोल्डन एमपी की तरह याद रखनी है। एक बात याद रखना है, आप जब भी अपना डेली रूटीन लिखते हैं तो डेली के अंदर आपके जो 2 या 3 कलाक होते हैं ना, दिन घंटे, वो कैसे होते हैं कि आप उसके अंदर 6 घंटे का काम कर देते हो, तो वो वन टाइप ऑफ आपके प्रोडक्टिविटी टाइम है। क्या है आपका प्रोडक्टिविटी टाइम? खास इसके अंदर आपको फोकस रखना है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी टाइम। हम देखते हैं कि हम कई बार क्या होता है, कितने भी बच्चे हैं या कितने भी स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है, वो सुबह में जितना काम करता है ना, उतना वो दोपहर के बाद काम नहीं कर पाता। मतलब कि वो सुबह वो 3 घंटे में अपना 6 घंटे का काम कर देता है। कई स्टूडेंट की यह हैबिट होती है कि वो नाइट के अंदर 3 घंटे में 6 या 10 घंटे का काम कर देता है, तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी टाइम है। एज अ स्टूडेंट की तरह हम देखने जाए तो आपको क्या होता है, सवेरे के टाइम में देखने जाए तो आप जो भी रीड करते हो वो अच्छी तरीके से रीड हो जाए। मतलब कि आप 3 कलाक के अंदर या 3 घंटे के अंदर जितना रीड कर पाओगे, उससे ज्यादा आप सवेरे जो रीड करोगे तो उससे ज्यादा आप रीड कर पाओगे, तो ये आपका प्रोडक्टिविटी टाइम। मतलब कि आपका माइंड वहां पे एक्टिव होता है इस समय के अंदर, जिससे कि आपका जो भी वर्क है वो फास्टली और इफेक्टिवली वर्क करता है आपका माइंड। तो ये बात आपको यकीन होगी कि कब मैं अपना माइंड प्रोडक्टिव होता है वो हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा, और वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे कर पाएंगे, हमें कैसे पता चला कि कब मैं प्रोडक्टिव हूँ? जब आप डेली रूटीन लिखोगे तब आपको नजर आ ही जाएगा कि इस टाइम के अंदर ये जो 3 घंटे है उसके अंदर मैंने ज्यादा काम किया। तो मतलब कि 3 और 4 के बीच में जो भी मैंने काम किया या 3 और 6 के बीच में जो भी मुझे काम किया वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम हो गया। तो वो आपको याद रखना। I am eating, sleeping and exercise. मुझे कब eating करनी है, मतलब में मुझे कब खाना है, कब sleep करना है, कब exercise करनी है, तो ये आपको timing पहले से ही fixing करके रखना होगा। जब आप इसका timing fixing नहीं करोगे तो आपको ये जो routine होगा ना वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना जो routine है वो complete करता रहता है, लेकिन 12 बजेंगे दोपहर के तो मैं lunch कर लूंगा, रात के 11 या 10 हो गए तो तब मैं अब स्लिप हो जाऊंगा, सुबह 4 बजे मैं उठ के अपनी एक्सरसाइज कर लूंगा, तो वो आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन कर सकें। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी होगी। हाउ डज माई एक्चुअल यूज टाइम कंपेयर टू माई गोल्स, मेरा जो टाइम है उससे मेरे गोल्स के कंपेरिजन की तरह कैसे यूज करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि मेरा कोई एक गोल्स है वो है 1 ईयर का, तो मैं दिन में कितने घंटे काम करूंगा इस गोल पे तो मुझे वो 1 ईयर के बाद कंप्लीट होने को मिलेगा। तो ये आपको टाइम हिसाब से कंपैरिजन करनी हो, गोल के साथ और आपका टाइम दोनों कंपेयर करना है। अगर मैंने डेली 5 आवर वर्क किया हमारे गोल पे तो मैं ईयर के अंदर ये अपना गोल अचीव कर लूंगा एकदम आसानी से। तो ये आपको कंपेयर रखना है कि मैं अपना गोल कितने टाइम के अंदर कितना घंटा काम करूंगा डेली तो मैं अचीव कर सकता हूँ। स्पेंड साइम टाइम हियर, मतलब कि यहाँ पे आपको कंप्लीटली टाइम देना है। ये जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे, स्टूडेंट की तरह तो अभी आप आगे बढ़ ही रहो, पर जब आप किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे तो वहां पर आपको पर्टिकुलर गोल दिए होंगे, तो वो गोल हमें कैसे अचीव करने हैं ना, उसके लिए आप डेली टू कितना अपना टाइम वेस्टेज करोगे, मतलब कि उसके अंदर स्पेंड करोगे, तो जिससे कि हमारा इतने समय के अंदर हमारा गोल कंप्लीट हो सके, तो वो आपको कैलकुलेशन करने को रहे। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना, अपना टाइम इवोल्यूट करना होगा। ओके, अब आगे बढ़ते। 4th स्टेप है शेड्यूल एंड लिस्ट। तो देखते हैं किस किस तरह का हमें शेड्यूलिंग करना है, किस किस तरह का हमें लिस्ट क्रिएट करना है। मेक अ शेड्यूल इंक्लूड क्लासेस, वर्क, एक्सरसाइज, स्पोर्ट, सोशल टाइम, मेल टाइम, स्पी। मतलब कि हमें सबसे पहले तो हमारी जो लाइफ साइकिल है डेली वर्किंग, तो वो हमें सबसे पहले शेड्यूल करनी होगी। मतलब कि हम अपने क्लासेस के अंदर एज ए स्टूडेंट की तरह जाए तो ऐसे क्लासेस के अंदर हम कितने टाइम का शेड्यूल लेंगे, उसके बाद हमारा जो भी कोई वर्क है तो उसके अंदर हम कितने टाइम देंगे, हमारी एक्सरसाइज के लिए भी आपको टाइम निकाल के रखना है, अपनी स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट हॉबी के लिए भी अपना टाइम निकाल के रखना है।
सोशल टाइम के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा, मेल टाइम के लिए भी निकालना होगा और स्लीप के लिए भी निकालना होगा। तो अपना जो सारा वर्क है, जैसे कि अपना सोशल सोसाइटी के थ्रू हमारा जो भी कोई वर्क होता है, हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर हमारा वर्क होता है और हमारे जो भी करियर के अंदर कोई भी हमारा वर्क होता है, तो उसको हमें डे वाइज कम्प्लीटली क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा आवर वाइज, कि मैं यहाँ पे जो समय है वो यहाँ पे सोशल टाइम को दूंगा, रात का जो समय है मतलब कि 10 बजे के बाद तो वहाँ पे मैं स्लीप हो जाऊंगा, उसके बाद सवेरे है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, पूरा दिन है तो उसके अंदर मैं हमारा क्लासेस और वर्क भी करूंगा, उसके साथ साथ जो हमारा 6 बजे का टाइम है तो वहाँ पे मैं स्पोर्ट कर लूंगा। तो वैसे आपको शेड्यूल मेंटेन करके रखना होगा, जिससे कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल कंप्लीटली अच्छी तरीके से चल सके। फिगर आउट योर प्राइम प्रोडक्टिविटी टाइम एंड ट्राई टू शेड्यूल डिफिकल्ट टास्क फॉर टाइम व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। मैंने कहा वैसे ही यहाँ पे आपको दूसरी बार प्रोडक्टिविटी टाइम पे आ गया है। प्रोडक्टिविटी टाइम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, याद रखना है आपको। मतलब कि आपको सबसे पहले तो अपना प्रोडक्टिविटी टाइम कौन सा है वो आपको शेड्यूल कर लेना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी हमारे डिफिकल्ट टास्क है ना उसके अंदर प्रोडक्टिविटी टाइम के अंदर ही वो करने, जिससे कि क्या हो सके, हमारा जो माइंड होता है ना प्रोडक्टिविटी टाइम के अंदर एक्टिव होता है, जिससे कि कोई भी डिफिकल्ट टास्क हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी कि जब भी हमारा प्रोडक्टिविटी टाइम होता है उस समय पे आपको कोई ना कोई डिफिकल्ट टास्क करना है, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल और लिस्टिस। अब देखते हैं टू डू लिस्ट, 5 स्टेप है हमारा टू डू लिस्ट, मतलब कि आपको दिन भर में कौन कौन से टास्क करने हैं वो आपको सबसे पहले क्या करना होता, टू डू करना होगा, उसको लिख लेना है किसी बुक के अंदर या किसी लिस्ट में। ब्रेक डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉल वंस, आपके जो भी बिग टास्क है उसको आपको स्मॉल के अंदर लिख देना है, जिससे कि आप उसको देख कर उसको रिमेम्बर कर सके। ओके, डू इजी थिंग फर्स्ट, जो भी हमारी इजी थिंग्स है मतलब कि हमारे जो दिन भर में जो भी हमारे इजी टास्क है वो सबसे पहले हमें कंप्लीट कर देना, जिससे कि वो सबसे पहले और कम टाइमिंग के अंदर कंप्लीट हो और हम दूसरे जो हमारे बिग टास्क है या डिफिकल्ट टास्क है उसके अंदर हम अपना टाइम दे सकें। प्रायोरिटी वाइज यूजिंग ड्यू डेट्स एंड इम्पोर्टेंस, तो ये भी एक हो सकता है कि आपको वर्क है वो कब और किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, उस हिसाब से भी आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको टू डू लिस्ट क्रिएट करनी होगी कि हमारे पास बिग टास्क कितने, उसमें से हमारे पास जो इजी टास्क है वो कितने, वो हमें अलग से फिल्टर करके रखना है, उसमें से हमें फिर फिल्टर करना है, क्योंकि हमें ड्यू डेट और इम्पोर्टेंट के हिसाब से प्रायोरिटी वाइज हमें किस किस टास्क को पहले करना चाहिए, तो वो सबसे पहले तो हमें कंप्लीट करके रखना होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिया गया कि टाइम मैट्रिक्स का मतलब क्या। सबसे पहले तो टाइम मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ साइकिल के अंदर। जब भी आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हो या कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपका टाइम और मैट्रिक्स मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको कम्प्लीटली मैट्रिक्स करके रखना हो। तो यहाँ पे आपको जो टाइम सॉरी वर्क का यहाँ पे आपको डिवाइडेशन मिल जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो उसको ये 4 चीज के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो भी वर्क अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमें क्या क्या पे लिखना है, यहाँ पे जो भी वर्क हमारा अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है जो हमें पहले करना चाहिए वो यहाँ पे हम लिखें। जो वर्क हमारा नॉट इन अर्जेंट है मतलब कि हमें अर्जेंट नहीं है, उसको कम समय के अंदर देना नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हमने यहाँ पे रखें। और नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट, तो ये हिसाब से आपको कम्प्लीटली डिविडेशन करना होगा, अपना वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस वर्क के अंदर मैं किस तरह का टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जैसे कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो उसको सबसे पहले हमें कंप्लीट करना होगा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट है तो उसको भी हमें कंप्लीट करना होगा। तो ये हिसाब से आपको क्या करना होगा, टाइम हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसी वर्क के अंदर। तो ये हो गया टाइम मैट्रिक्स, आपको टाइम मैट्रिक्स भी बनाना होगा तो जिससे कि आप अपना वर्क लोड कम कर सकें और किस हिसाब से आपको वर्क करना है वो भी आपको पता चले। उसके बाद यहाँ पे 10 स्टेप फॉर कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडी, मतलब कि अपनी स्टडी के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है तो वो किस तरीके से कर सके,
तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट लाइफ की तरह आपको ये कम्प्लीटली याद रखना होगा कि किस तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन कर सको। तो यहाँ पे 10 टॉपिक दिए गए। तो यहाँ पे सबसे पहला है टाइम टेबल। हमने आगे भी देखा था आगे के लेक्चर में कि स्टूडेंट लाइफ को एक टाइम टेबल और शेड्यूल उसका मेंटेन करना होगा, जिससे कि वो टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सके, वो स्ट्रेस से दूर रह सके। दूसरा है सफिशिएंट स्लीप। आपको जो भी अपना टाइम है उस टाइम के अंदर स्लीप करना है, और अपना जो भी आप बोल सकते हो 7 से 8 घंटा वो आपको कम्प्लीटली स्लीप करना होगा। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। प्रॉपर डाइट आपको करनी है, रिवार्ड योर सेल्फ करना है, बी प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप से प्रिपेयर होने चाहिए। वॉच योर एनवायरमेंट, हैव अ वेस्टी, डू क्रिटिकल टास्क फर्स्ट, मेडिटेशन एंड योगा। तो ये जो 10 टिप्स हैं यहाँ पे आपको दी गई है, वो आपको कम्प्लीटली अपने लाइफ के अंदर डेली टू डेली करनी है, जिससे कि आप अपने स्टडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कर पाओ। तो ये आपको एज अ स्टूडेंट की तरह याद रखना हो। यहाँ पे आपको लिखा है कंटिन्यू लर्निंग, किस तरह से हमें लर्निंग करना है। लर्निंग पिरामिड यहाँ पे आपको दिया गया है एक स्टार्ट की तरह। तो सबसे पहले तो एवरेज स्टूडेंट रिटेंशन रेट, यहाँ पे आपको एवरेज स्टूडेंट की तरह पे दिखाया गया है कि किस तरह से आपको काम करना। तो कोई भी जो चीज़ आप लर्निंग करना चाहते हो तो उसके लेक्चर के अंदर 0% रीडिंग, 20% आप ऑडियो विजुअल से कर सकते हो, डिमोन्स्ट्रेशन के 30% से, डिस्कशन के 50% आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस से आप 75% सीख सकते हो, और दूसरों को सिखाने से आपको 19% याद रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आप अपना जो लर्निंग है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल मेथड दी गई, बट ये सारी के सारी मेथड आप जब भी कोई ऑडियो विजुअल करते हो तो आपको उसके अंदर 20% आपको याद रह जाता है जो आप सीखने हो, डिमोन्स्ट्रेट करते हो तो उसके अंदर 30%, डिस्कशन करते हो किसी एक टॉपिक के अंदर तो वो आपको 50% उसकी लर्निंग दे देगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस डूइंग, मतलब कि आप उसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करते हो तो वो आपको 70% तक कम्प्लीटली लर्न हो जाए। और आप किसी भी चीज़ को दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हो या उसको टीच करते हो तो वहाँ पे आपको 19% लर्निंग हो जाता है। तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखना है किस तरह से आप लर्निंग कर सकते हो एज अ स्टूडेंट लाइफ की तरह। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमने स्टेप देखे थे कि हम टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर हमने पहले देखा था सेट गोल करना है अपना और प्लान्स भी क्रिएट करना है, उसके हिसाब से हमें उसको समय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्लानिंग करनी है, उसको फेल होने के चांसेस कितने हैं वो हमने देखा है, उसको एक अच्छी सक्सेस की तरह हमें कन्वर्ट करना है वो भी हमें कम्प्लीटली याद रखना है। उसके बाद हमने स्टेप टू देखा, उसके अंदर हमने देखा कि हमारा डेली रूटीन क्रिएट करना है और उसको हाफ आवर के बाद ही आपको अपडेट करते रहना है। ओके, तो ये हमने देखा था। उसके बाद देखा इवोल्यूट। इवोल्यूट के अंदर हमने देखा कि जो हमने डेली रूटीन क्रिएट किया है उसको हमें कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा कौन सा टाइम जो वेस्टेज टाइम है उसको हम कैसे हमारे दूसरे वर्क के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वर्क इफिशियंट बने और अच्छा सा बने। उसके बाद हमारा प्रोडक्टिविटी टाइम कौन सा है वो हमें देखना है। उसके बाद हमें हमारा जो डेली रूटीन है वो मेंटेन करना है, तो वो सब हमें देखना है। उसके बाद हमने शेड्यूलिंग एंड लिस्ट्स देखा, मतलब कि हमें किस तरह से किस लाइफ साइकिल को हमें शेड्यूलिंग करना है, मतलब कि हम जो हमारी डेली लाइफ साइकिल के अंदर हमारी सोशल लाइफ है तो उसको कितना टाइम स्पेंड करना है, उसके अंदर हमारे वर्क के अंदर कितना टाइम स्पेंड करना है, हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर हमें कितना टाइम स्पेंड करना है, एक्सरसाइज, स्पोर्ट और आपकी जो भी हॉबीज है उसके अंदर आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, वो आपको एक लिस्ट बना के क्रिएट करनी है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्टिविटी टाइम है वो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी टाइम है उसके अंदर आप जो भी अपना डिफिकल्ट टास्क हो के दिन भर वो ही आप इसके अंदर करेंगे, जिससे कि आप वो अच्छी तरीके से और कम टाइम के अंदर वो कर सकें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो माइंड होता है ना वो कम्प्लीटली ऑन होता है, आप एक्टिव होता है। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। ओके, उसके बाद है टू डू लिस्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे हमने टाइम मैट्रिक्स देखा और उसके हिसाब से हमने देखा 10 टिप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्टडी। तो हमने टिप्स देखी, उसके बाद हमने कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में भी देखा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको इस असाइनमेंट को फिलअप करना होगा। ओके, थैंक यू।